मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कैमरे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर आपके पास कोई कैमरा है जिसका मेगापिक्सल 13-14 मेगापिक्सल का आपके पास कोई कैमरा है, और या फिर उससे कम का मेगापिक्सल का कैमरा है, तो आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जितनी भी YouTube की वीडियो होती है उसको आप आउटडोर में शूट किया करो, क्योंकि आउटडोर में अगर आप कोई भी वीडियो बनाओगे तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आप कभी भी अपना अगर आपका कैमरा अच्छा नहीं है और अपने आप इंडोर में शूट कर रहे हो तो आपकी वीडियो की क्वालिटी बेकार हो जाती है, तो इससे लोग आपकी वीडियो को पसंद नहीं करते हैं। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपने यूट्यूब की वीडियो को प्रोफेशनल बनाना है और चाहते हैं कि लोग आपकी वीडियो को देखें, तो अगर आपका मेगापिक्सल वाला कैमरा कम है या फिर आपके पास थोड़ी घटिया थोड़ी कम अच्छी मोबाइल है, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप आउटडोर में अपनी वीडियो को शूट कर सकते हो। इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आप इसे ट्राई करके देख सकते हो। इंडोर में जो बनी हुई वीडियो रहती है और जो आउटडोर में बनी हुई वीडियो रहती है वो बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंडोर में क्यों शूट कर रहा हूँ। मैं इंडोर में इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रियलमी 6 है, तो रियलमी 6 का कैमरा तो इतना मतलब ठीक है, ताकि उससे तो आप अपने मतलब इंडोर में शूट कर सकते हो। पर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, उन छोटे यूट्यूबर्स के लिए बता रहा हूँ जिनका कैमरे की क्वालिटी कम अच्छी रहती है, और उसके कारण उनकी वीडियो की क्वालिटी इतनी बेकार रहती है कि वो लोग आपकी वीडियो को देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आपको मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी वीडियो बना रहे हो, आप अपने ओरिजिनल कैमरे से बनाओ, कोई भी एक्सटर्नल कैमरे को डाउनलोड करने की आपको जरूरत नहीं। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी वीडियो बना रहे हो उसको आप बाहर आओ और आउटडोर में शूट करो। आउटडोर में शूट करोगे तो आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, आप इसे देख सकते हो। और यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास माइक नहीं है तो ये मत सोचो कि मेरे पास माइक नहीं है, मैं कैसे अपनी वीडियो को बनाऊंगा, मेरे पास माइक नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास माइक नहीं है तो आपके पास अगर ईयरफोन होगा तो बस आपको क्या करना है, आपको ईयरफोन को अपने लगा लेना है। अपने ईयरफोन के जो दो ठो कान में लगाने वाले रहते हैं उनको आपको अपने शर्ट के अंदर डाल लेना है, आपको अपने ईयर बड्स को शर्ट के अंदर डाल लेना है। और जैसे आप अपने ईयर बड्स को शर्ट के अंदर डालोगे उसके बाद क्या होगा कि आपको जो माइक रहता है ईयरफोन का उसको आपको यहाँ पे लटका लेना है, उससे आपकी क्वालिटी जो वीडियो क्वालिटी रहती है और जो आपकी वॉइस क्वालिटी रहती है वीडियो की वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने क्यों नहीं लगाया यहाँ पे वॉइस के लिए उस ईयरफोन के प्लग को। तो यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे ईयरफोन को क्यों नहीं यूज़ किया है, क्योंकि देखिए दोस्तों मेरा रियलमी 6 है और जो ये कैमरा है उसमें वैसे भी आवाज़ गूंजती है, और मैं इस अकेले कमरे में और ये छोटा सा कमरा है यहाँ पे आवाज़ गूंजती है, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि माइक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने माइक को यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।